अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं ब्राइट हाउस इलेक्ट्रॉनिक्स का चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेड इन यूएई जिपास कंपनी के रूम एयर कूलर, जिसकी धूम पाकिस्तान तो क्या दुबई में भी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोग इसको बड़े अरसे से यूज कर रहे हैं। आज हम आपके लिए इनकी वीडियो लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको काफी इसमें इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास इसके अंदर दो साइजेस आ चुके हैं। एक ये जरा मिनी और कम्पैक्ट सा साइज है। ये चिलर टाइप कूलर होते हैं, ब्लोअर मोटर के अंदर होते हैं। बड़ी ही जबरदस्त और बड़ी फिट किस्म की इसकी जो है वो एयर थ्रो होती है और बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसकी जो है ना वो साइज है। कंपेक्टेबल सा साइज है, आप जिधर चाहें जहां चाहें इसको रख सकते हैं। जो लोग मिडिल ईस्ट या यूएई वगैरह में रहते हैं वो इस प्रोडक्ट से बखूबी वाकिफ है। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसको मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू भी दिखाता हूँ चला के, और आपको इसकी थोड़ी सी समझ आएगी। गाइज ये इस वक्त ऑन हो चुका है, ये इसका ऑन का बटन है, ठीक है। और ये देख सकते हैं इस वक्त ये डिस्प्ले भी दे रहा है आपको, अंदर इसका ब्लोअर ऑन हो चुका है। इसके अंदर 3 फैन स्पीड है, ये स्पीड मीडियम पे आ गया है, ये हाई स्पीड पे आ गया है, और हाई स्पीड पे तकरीबन ये 1400 आरपीएम जो है ना ये आपको सीएफएम देता है। इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं। ये कूल का बटन है, अगर कूल का बटन मैं प्रेस करूंगा तो इसके अंदर तकरीबन तकरीबन 20 लीटर पानी डलता है। ये पानी की इनलेट है, यहाँ से पानी इसके अंदर डाला जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये वाटर गेज है, यहाँ से आपको पता लगेगा इसके अंदर इस वक्त कितना पानी मौजूद है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर ह्यूमिडिफायर सिस्टम भी है, ये नमी को कंट्रोल करने में भी काम आता है। उसके अलावा इसके अंदर 3 स्पीड्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, लो मीडियम हाई विंड, 3 विंड्स हैं। उसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन टाइम दिया जाता है, आप 1 घंटे से लेकर 10 घंटे तक का अपनी मर्जी के मुताबिक टाइम लगा सकते हैं। मुख्तलिफ मोड्स दिए गए हैं इसके अंदर, नॉर्मल मोड, स्लीप मोड और नेचर मोड। नेचर मोड पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि इस वक्त कितनी कूलिंग रिक्वायर है। उसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन जो है ऑटोमेटिक स्विंग्स हैं, अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट, आप अपनी मर्जी के मुताबिक चाहें तो राइट एंड लेफ्ट और वो सारी इसके अंदर ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर गाइस आयोनाइजर की ऑप्शन होती है। आयोनाइजर की ऑप्शन का ताल्लुक ये होता है कि जो आयोनाइजर होता है ये आपके रूम में बैड स्मेल्स नहीं होने देता। उसके अलावा दोस्तों ये हनीकॉम पैड के साथ आता है। हनीकॉम पैड का फायदा आपको ये होता है कि ये आपको देर पा और अच्छी कूलिंग देने में काम देता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके अंदर हनीकॉम पैड दिया गया है प्लस फिल्टर के साथ, और अगर आपने कभी इसको साफ करना हो तो वो नीचे इसका ड्रेन भी दिया गया है। अगर मैं इसकी वॉट्स की बात करूं तो ये देख सकते हैं ये 220 वोल्टेज पे और 100 वॉट मैक्सिमम लेता है, ठीक हो गया, यानी 100 वॉट पे ये चलता है, यानी एक पंखे से भी कम बिजली ये कंज्यूम करता है, और 2 ईयर्स कंप्लीट होम सर्विस वारंटी के साथ ये आपको मिलता है। ये इसमें सबसे छोटा मॉडल है। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करूं तो ये तकरीबन 38,000 रुपए का आपको कॉस्ट करता है। 38,000 रुपीज में आपको ये कूलर प्लस चिलर, जिसको हम बोलते हैं चिलर, मिलता है। ये बड़ी बेहतरीन और अच्छी ठंडी हवा आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसमें जो दूसरा मॉडल है आप देख सकते हैं वो ये लगा हुआ है जिपास कंपनी में। इसके मॉडल की बात करूं तो इसका मॉडल है 9452। 9452 जो है थोड़ा सा उससे बड़े साइज में है और डबल ब्लोअर के साथ ये आ जाता है। इसके डबल ब्लोअर का क्या फायदा होता है कि आप इसके अंदर जो थ्रो है वो ज्यादा अच्छी और ज्यादा बेहतर थ्रो जो है वो इस कूलर से हासिल कर सकते हैं। इसका पैड साइज भी बड़ा हो जाता है और उसके अलावा इसका वाटर स्टोरेज टैंक जो है वो भी बड़ा हो जाता है। बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही खूबसूरत ये जो शक्ल है इसकी आपको मिलती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं टच पैनल आपको मिलता है, बिल्ट इन टेम्परेचर कंट्रोल आपको बता रहा है कि इस वक्त हमारे यहाँ पे रूम का टेम्परेचर इस वक्त क्या है। इसके अंदर भी आपको मुख्तलिफ स्पीड मिलती है, आप लो मीडियम हाई स्पीड इसके अंदर सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर भी बिल्ट इन स्विंग ऑप्शन है, आप चाहें राइट लेफ्ट स्विंग ये ऑटोमेटिकली भी देखें आप कर रहा है। उसके अलावा अगर मैं अप एंड डाउन स्विंग इसकी ऑन करना चाहूं तो अप एंड डाउन स्विंग यहां से ऑन होती है और आप देख रहे हैं अप एंड डाउन स्विंग इस वक्त ये कर रहा है। उसके अलावा इसके अंदर भी टाइमर की ऑप्शन है, आप इसको 1 घंटे से लेके 10 घंटे तक का टाइमर लगा सकते हैं। उसके अलावा 30 लीटर्स का इसके अंदर जो है वाटर टैंक होता है जो कि तकरीबन 10 से 12 घंटे आपको ठंडी हवा देने में काम देता है। इसके अंदर भी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसके वॉट्स की, तो 120 वॉट्स पे ये चलता है, 120 वॉट ये लेता है जो कि एक पंखे जितनी बिजली है। और अगर एम्पेयर्स में बात करूं तो तकरीबन ये 0.5 एम्पेयर्स बिजली कंज्यूम करता है। और अगर तकरीबन ये आपका 14-15 घंटे 16 घंटे चलता है तो तकरीबन 1 यूनिट ये कंज्यूम करता है।
उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर भी हनीकॉम पैड जो है वो यूज किया गया है, मोबाइल टाइप है, इजी टू मूव है, आप जिधर चाहें इसको मूव कर सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही जबरदस्त हनीकॉम पैड दिया गया है फिल्टर के साथ। यानी फिल्टर का फायदा ये होता है, आम जो हमारे कूलर्स आते हैं उसके अंदर ये फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं आता। उसका नुकसान ये होता है कि जो इसका आपका फिल्टर होता है वो बैड स्मेल्स और उसके अलावा जो इसके अंदर डस्ट होती है और दूसरी चीजों से आपको फायदा प्रोवाइड करता है, मतलब इसके अंदर डस्ट वगैरह नहीं आती, जिसकी वजह से आपको किसी किस्म की कोई एलर्जी या बीमारी की गुंजाइश नहीं बचती। अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात करूं तो ये तकरीबन 50,000 रुपए का एसी चिलर आपको मिलता है। इसको कूलर कहते हैं और चिलर भी कहते हैं मुख्तलिफ, और ये भी दुबई में इस वक्त बड़ा टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के तौर पर जाना जाता है। 2 साल इसकी कंप्लीट मुकम्मल वारंटी है और आपके सामने प्रोडक्ट है। इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.brighthouseelectronics.com पर विजिट कीजिए। तो दोस्तों अब जिस मॉडल की बात मैं करने जा रहा हूँ ये है 9441। बड़ा ही जबरदस्त और कॉम्पैक्ट सा साइज है, आप देख सकते हैं जी पास कंपनी का है। डबल ब्लोअर के साथ है और डबल ग्रिल के साथ है, सेफ्टी ग्रिल भी इसके अंदर दी गई है। सेफ्टी ग्रिल का क्या फायदा होता है, कोई बच्चा या कोई भी बड़ा अगर इसके अंदर हाथ डालना चाहे तो वो उसके ब्लोअर तक हाथ नहीं पहुंच सकता। उसके अलावा इसके अंदर आपको 30 लीटर की बड़ी वाटर टैंक दी जाती है। उसके अलावा अगर इसके मैं वॉट्स की बात करूं तो 120 वॉट ये टोटल कंज्यूम करता है, जो कि पंखे से भी कम है। 0.5 एम्पेयर्स इसकी बिजली की कंजम्पशन है। तकरीबन 12 से 14 घंटे 16 घंटे ये चलता है तो एक यूनिट कंज्यूम करता है, यानी पूरे दिन में सिर्फ 60 रुपए की बिजली कंज्यूम करता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं डिजिटल पैनल के साथ है, बड़ा ही खूबसूरत इसके अंदर डिजिटल पैनल आपको दिया जाता है। इसके अंदर भी मुख्तलिफ स्पीड्स हैं, 3 स्पीड्स हैं, आप चाहें इसको स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मीडियम स्पीड, लो स्पीड है, ये इसकी मीडियम विंड है, ये इसकी हाई स्पीड है। उसके अलावा इसके अंदर भी आपको कूल की ऑप्शन मिलती है। उसके अलावा इसके अंदर आयोनाइजर सिस्टम है, यानी बैड स्मेल्स आपके कमरे के अंदर ये पैदा नहीं होने देता। उसके अलावा टाइमर है, 1 घंटे से लेकर 10 घंटे तक आप अपनी मर्जी के मुताबिक टाइम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ मोड्स दिए गए हैं, यानी स्लीप मोड, यानी 10 घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा अगर आप इसको बंद नहीं भी करते। उसके अलावा इसके अंदर जो है नेचर मोड दिया गया है, उसके अलावा इसके अंदर नॉर्मल मोड दिया गया है। उसके अलावा 1 ईयर कंप्लीट वारंटी के साथ होता है ये भी। और उसके अलावा इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की स्विंग्स है, राइट एंड लेफ्ट भी स्विंग करता है ये, और उसके अलावा अप एंड डाउन भी इसके अंदर स्विंग आपको मिलती है। इसकी 1 ईयर वारंटी है। और अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात करूं तो ये आपको आफ्टर लेस कॉस्ट करेगा 52,000 रुपीज का। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो अभी हमारे नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.brighthouseelectronics.com पर विजिट कीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो। इसके अंदर हमने आपको दिखाया कि इस वक्त 3 किस्मों के मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो एयर कूलर जीपास कंपनी में, जो कि दुबई से इम्पोर्ट शुद है, ये आ चुके हुए हैं। अगर आप इनको बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो अभी नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करें, या अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।